तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट आउटपुट की। तो जावास्क्रिप्ट आउटपुट किन किन तरीकों से देता है उसी की चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो अभी ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन लेवल पे है, यानी ओवरव्यू है यहाँ पर। तो जो चीज़ पहले समझनी चाहिए वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, इसके बाद हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप इसको मोटे तौर पर ओवरव्यू के रूप में मान लीजिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से डेटा को डिस्प्ले कराती है, तो कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर चार तरीके दिए हुए, एक इनर HTML, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडो डॉट अलर्ट और कंसोल डॉट लॉग। ये चार तरीकों से जावास्क्रिप्ट डेटा डिस्प्ले करने का काम करती है। तो ये चारों है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में भी दिया हुआ है, अलर्ट बॉक्स के रूप में आपको अलर्ट जो मेथड वो इस्तेमाल करना पड़ता है, और ब्राउजर कंसोल में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप कंसोल लॉग का इस्तेमाल करिए, और आउटपुट के रूप में आप दिखाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को देखते हैं। सबसे पहले आता है इनर HTML। तो इनर HTML आपको पता होगा, जैसे हमारा ये टैग है, ठीक, हेडिंग टैग है, H1 टैग, इसके अंदर जो ये पोर्शन होता है इसी को इनर HTML बोलते हैं, कंटेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और कंप्लीट जो होता है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ये तो पता होगा आपको। तो टू एक्सेस एन HTML एलिमेंट जावास्क्रिप्ट कैन यूज द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। तो किसी जावास्क्रिप्ट किसी HTML एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए अगर आईडी का सहारा लेती है तो इस मेथड का इस्तेमाल करेगी, ठीक। और इसमें वो उसके बाद इनर HTML का इस्तेमाल करता है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है कि जावास्क्रिप्ट एक कोड है हमारा, ठीक, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कोड है। यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आगे सब मिलेगा, अभी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं, सब आगे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमारा मेथड है, ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मतलब जो हमारा ये है हमारा पेज है, इसमें डेमो नाम की जो आईडी है, ठीक है, उस आईडी वाले एलिमेंट को कैच करो और उसका जो इनर HTML है, ठीक, तो आईडी वाला डेमो आईडी वाला कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, ठीक है, इसका इनर HTML कौन सा है, ये बीच में यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसी को बोलते हैं इनर HTML, ठीक। दोनों टैग के बीच में, ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो होता है इनर HTML होता है, इसको कंटेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर चेंज करने की बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि वहाँ पर आप 5+6 यानी रख दो, तो 5+6 बराबर 11 आपको यहाँ पे मिलना है। अगर आपने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं How are you? ठीक है, तो अब क्या रन हो जाएगा, इसकी जगह पर ये जो इनर HTML वाला पोर्शन था, इनर HTML यानी कंटेंट, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये बीच में यहाँ पे ये आ जाएगा, इसलिए आपको ये दिख रहा होगा। इसके बाद दूसरा तरीका है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट डेटा को डिस्प्ले कराता है, तो ये भी इस्तेमाल होता है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आप किसी अपने कोड को टेस्ट कर रहे होते हैं तब। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर हमारा ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो मेथड है इसके जरिए डेटा को डिस्प्ले कराने का काम किया जा रहा है। तो इसको रन कराते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 11, ठीक है। तो इसने ये जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट है इसी से हमारा ये आया। अब क्या अगर इसको हम रन कराएंगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम कुछ स्ट्रिंग दे सकते हैं, दिस इज मी, तो यहाँ पर क्या ये लिखेगा, यहाँ पर दिस इज मी लिखेगा, ठीक है। इसके अंदर भी हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक तरीका है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने HTML पेज के लास्ट में, डॉक्यूमेंट के लास्ट में अगर आपने ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट डाला हुआ है, ठीक, तो मतलब ये जो मेथड है ये चल रहा है HTML डॉक्यूमेंट के लोड होने के बाद, तो ये क्या काम करता है, पिछली जो भी चीज़ है उसको, उसके ऊपर चीज़ों को, यानी जो भी एलिमेंट यहाँ पर आप दे रहे हैं, मतलब जो भी आप कंटेंट दे रहे हैं उसको पिछली चीज़ों के ऊपर राइट कर देता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, आफ्टर एन HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड, ये लोड होने के बाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें जो चीज़ आप देंगे इस पैरेंथेसिस के अंदर राइट मेथड के अंदर, तो ये क्या काम करेगा, पिछली सारी चीज़ों को डिलीट कर देगा। जैसे इसको करके देखें,
यहाँ पर आपको ये चीजें दोनों दिख रही है, ठीक है, ये हेडिंग है, ये हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है, यहाँ से ये पता चल रहा होगा हेडिंग पैराग्राफ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक बटन को अटैच किया गया है और बटन का टाइप ये बताया जा रहा है कि टाइप क्या बटन टाइप का, ठीक है, बटन का नाम क्या है, ट्राई इट, ठीक है, ट्राई इट बटन का नाम है। और इसमें एक एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक, ठीक है, यहाँ पर एक मेथड को अटैच किया गया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस मेथड को, ठीक है। तो जैसे ही हम ट्राई इट पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला मेथड रन हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट भी दिखा देगा। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जो पिछली चीजें हैं वो चीज को ये ओवर राइट कर देगा, मतलब पिछली चीजों को सबके ऊपर राइट कर देगा, पिछली चीजें डिलीट होती हुई दिखाई देंगे आपको। जैसे कि अगर आप यहाँ पे करिए, देखिए यहाँ पे जो चीज थी वो पिछली जो चीजें वो हट गई, उसकी जगह पर सिंगल आ गया केवल एलेवन। तो बस यही इसमें दिक्कत है, इसलिए इसको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो पिछला आपका जितना भी बड़ा डेटा है, मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा है, सपोज हम इसको ले लेते हैं, मान लीजिए हम इतना ले लेते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपके हिसाब से तो सही है अपना, ठीक है, ऐसा डेटा है, लेकिन ये क्या काम करेगा, फिर भी 11 दिखाएगा, क्योंकि इसने पिछली सारी चीजों को डिलीट कर दिया। तो ये इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो यही बोल रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड शुड ओनली बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा मेथड है वो है विंडो डॉट अलर्ट, मतलब इसमें हम अलर्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, हमारी विंडो से अटैच है तो उसी में हमें अलर्ट मिल जाएगा ये, ठीक। तो ये अलर्ट बॉक्स की तरह इस्तेमाल करता है, जैसे आपको अलर्ट देना है अपने वेब पेज पे लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे इसको देखते हैं तो ये देखिए आपको सबसे पहले अलर्ट मिल गया, ठीक, ये चीज 11 और यहाँ पे चीज लिखा हुआ है, तो ये चीज है यहाँ पर। और ये विंडो जो कीवर्ड होता है ये ऑप्शनल होता है, ठीक, इसको आप हटा भी सकते हैं, सिंपली आप अलर्ट मेथड का इस्तेमाल करिए, ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ से इसको कर सकते हैं, ये देखिए डायरेक्ट चल गया, चलने के बाद ही आपका नेक्स्ट चीज आ रहा है यहाँ पर, आपने जैसे ही किया तो अलर्ट के बाद ही आपको चीज दिख रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जैसे रन कराते हैं तो आपको यहाँ पे अलर्ट दिख रहा है, ये चीज चल रही है। तो इस टाइप में ये अलर्ट बॉक्स होता है। इसके बाद जो चौथा मेथड है वो है कंसोल डॉट लॉग। इसका प्रयोग जो होता है डिबगिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोड को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, डिबगिंग करते हैं, उस समय कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल किया जाता है मेथड का। जैसे यहाँ पे देखो, तो ये आपका कंसोल डॉट लॉग, ये हमारा क्या आउटपुट देगा, ठीक। तो इसको अगर रन कराते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये किससे संबंधित है, कंसोल से संबंधित। कंसोल आपको कहाँ मिलेगा, इस पर राइट क्लिक करने के बाद, ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, इसमें आपको ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये कंसोल है हमारा, जब इस पर राइट क्लिक किया था तो हमारा इंस्पेक्ट पे ये आ जाता है, ठीक। ये कंसोल में ये देखिए डिबगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे 11 आ रहा है, ठीक, तो यही 11 हमारा आंसर। यहाँ पर अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 30 आएगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये हमारा कंसोल नाम था, यहाँ पे देखते हैं, इसका प्रयोग डिबगिंग में, डिबगिंग पर्पज के लिए किया जाता है ये, आगे इसको भी देखेंगे आगे, बस आप ओवर भी उसका ले सकते हैं, ओवर भी ले लीजिए अभी इसी टाइप। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है कि जो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो, उसमें मतलब कोई प्रिंट मेथड नहीं होता है, कोई उसमें प्रिंट मेथड नहीं होता है, और इसी के कारण जो है आप किसी भी आउटपुट डिवाइस को जावास्क्रिप्ट से एक्सेस नहीं कर सकते। यही यहाँ पर दिया, यू कैन नॉट एक्सेस आउटपुट डिवाइसेस फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इसमें कोई प्रिंट मेथड नहीं होता है। हालांकि एक एक्सेप्शन होता है, यू कैन कॉल विंडो डॉट प्रिंट मेथड, आप विंडो डॉट प्रिंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जावा ये ब्राउजर में, टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ द करेंट विंडो, करेंट विंडो में जो भी कंटेंट है उसको प्रिंट कराने के लिए आप विंडो डॉट प्रिंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर दी हुई, यहाँ पर आप देखिए ये बटन बनाया गया है, बटन ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है और इसमें हमारा ये मेथड पड़ा हुआ है। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, यानी कि ऑन क्लिक ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी ये इसको कॉल करेगा, तो हमारा एक विंडो ओपन होगी जिसमें प्रिंट वाला आप सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये बटन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको करके देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला लाइन, ये हमारा हेडिंग, ये पैराग्राफ, ये नीचे वाला,
और ये बटन, ठीक है, यहाँ पे आपको देखा होगा बटन में, बटन का नाम ये है। यहाँ पर आप अपने अपने तरफ से कुछ लिख दीजिए, प्रिंटिंग प्रिंटिंग की डॉक्यूमेंट, तो ये आपने लिख दिया। और उसके बाद जब रन कराते हैं तो ये हमारा बटन के ऊपर लिख किया जाता है। अब इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये वाला मेथड चल जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑन क्लिक पे यही मेथड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इवेंट को कैच करता है, ठीक है, और कैच करके इसको कॉल कर लेता है। इसको करेंगे तो आपको ये वाला आएगा, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से इसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। जितना ये ऑप्शन आते हैं नॉर्मल वे में उतने आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये होता है हमारा विंडो डॉट प्रिंट मेथड। इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स को।